चलिए जी, आज हम लोग बात करेंगे माइनर्स एंड को फैक्टर्स पे। देखिए, कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स दिया जाएगा, हम 2x2 से बात करते हैं, A11, A12, A21 एंड A22। तो माइनर होता है छोटा, मतलब है किसका छोटा हिस्सा, इस मैट्रिक्स का छोटा हिस्से को हम माइनर बोलेंगे। तो हम जो भी एलिमेंट ले रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे A11 ले रहे हैं, तो आप A11 की ना रो और कॉलम छोड़ दीजिए, बाकी जो बचेगा वो इसका माइनर होगा। यानी हम इसको इस तरह से माइनर्स को लिखते हैं, M11 यानी फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम का, M12, M21 एंड M22। नो, M11 इज A22, M12 इज A21, M21 इज A12 एंड M22 इज A11। एक एग्जांपल भी देख लेते हैं साथ में। फॉर एग्जांपल, इफ ए इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 4 7, तो M11 हमारे पास आएगा, M11 मतलब फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम का माइनर। तो वो रो और वो कॉलम छोड़ दीजिए, पीछे क्या बचेगा, 7। सिमिलरली M12 हमारे पास आ जाएगा 4, M21 इज माइनस 2 एंड M22 इज 3। एंड फॉर ए 3x3 मैट्रिक्स आपको पता है, इफ ए इज इक्वल्स टू, ये भी मैं एक एग्जांपल से ही बात कर लेता हूं सीधा सीधा, इफ ए इज इक्वल्स टू 3 4 5 1 2 3 2 1 4। सपोज अगर ये हमारे पास, तो हम यहां पे M11 इज इक्वल्स टू, वो रो और वो कॉलम छोड़ दीजिए। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूं, अगर हम लोग ये ले रहे हैं तो इसका रो कॉलम और इसका ये रो छोड़ दीजिए, बाकी जो बचेगा आपने वो लिख लेना है। तो हेयर इट इज 2 3 1 4 एंड देन इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, लाइक ये आपके पास आ जाएगा क्या, 8 माइनस 3। M12 इज इक्वल्स टू, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को लेके 1 3 2 4, फोर माइनस सिक्स माइनस टू। इसी तरह से M13 में उसकी रो और उसका कॉलम छोड़ दीजिए, आपको पास बचेगा 1 2 2 1, दिस इज 1 माइनस 4 माइनस 3। M21 आपके पास आ जाएगा 4 5 1 4, इट इज 16 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 11।
एम टू टू हमारे पास आ जाएगा 3524। M23 is 3421, that is 3 minus 8, that is minus 5. Similarly, ये 21 आएगा, 23 है, sorry, right? 31 हमारे पास आ जाएगा 4523। तो आपको दिख गया होगा अभी तक हम कर क्या रहे हैं, इट इज 12 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 2, एम 32 इज इक्वल्स टू आप लिख ही देते हैं 3513, 9 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 4 एंड लास्ट वन इज M33, वी गॉट इट एज 3412, 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2। अब ये हमारे पास क्या बन गया, माइनस बन गए हैं, ठीक है। आप लोगों ने सीख लिया कि माइनर्स क्या होते हैं। जब मैं बात करता हूं कोफैक्टर्स की, कोफैक्टर्स में आपके पास एक बात आपने पास ध्यान रखनी है कि कोफैक्टर इज यानी सी आई जे इज ऑलवेज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, सी आई जे इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वन रेज टू पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। ये इंपॉर्टेंट चीज है, सी आई जे यानी कोफैक्टर ऑफ एनी रो और कॉलम इज तो आप इसको देखिएगा एंड देन विल मूव अहेड विद द थिंग्स। आप इतना नोट करिए देन हम इससे आगे की बात करते हैं। अब जैसे हम लोगों ने बात किया तो ऑफ कोर्स जब हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं तो फॉर ए इज इक्वल्स टू जो हमने पहला मैट्रिक्स लिया 3 माइनस 2 4 7, इसका C11 आ जाएगा ऐसे माइनस वन रेज टू पावर 1+1 इंटू M11। C12 आ जाएगा माइनस वन रेज टू पावर 1+2 इंटू M12। C13 आ जाएगा माइनस वन रेज टू पावर 2+1 इंटू M21 एंड सिमिलरली C22 आ जाएगा माइनस वन रेज टू पावर 22 इंटू M22। अभी यहां पे अगर हम इसको ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, हमारे पास C11 इज सेम एज M11, C12 इज माइनस M12 यानी वो माइनस हो जाएगा माइनस वन रेज टू पावर, C21 इज इक्वल्स टू माइनस M21 एंड C22 इज इक्वल्स टू M22। तो इसका मतलब जब हम लोग इसकी बात कर रहे थे तो हमारे पास कोफैक्टर्स क्या आ जाएंगे, सी इज द मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर्स, तो हम इसको डायरेक्टली लिखेंगे M11 जैसे हमारे पास क्या था, M11 वाज 7 तो यहां पे इट इज 7 माइनस 4 माइनस 2 एंड 3। तो सिर्फ हम लोगों ने ये चेंज किया। अब इस बात को हम लोग ध्यान से समझते हैं तो क्या हुआ, हम लोगों ने ना साइंस को कोफैक्टर्स क्या होता है, कोफैक्टर्स होता है बस हमने माइनस के साइंस को चेंज करना है, कैसे, ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस माइनस एंड प्लस इस तरह से। इसीलिए जब हम लोगों ने
हमारे पास जैसे अगर जो हमने सेकंड मैट्रिक्स दिया था 3 4 5 जो कि 3x3 मैट्रिक्स था 1 2 3 2 1 4, तो इसके लिए अगर हमने सी को लिखना है तो हम डायरेक्टली सी को कैसे लिख सकते हैं, अब ध्यान से सभी लोग देखेंगे। अब मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूं, व्हाट वी हैव टू डू, हमने माइनर्स के वैल्यूज लिख दीजिए, 5 -2 -3 देन 11 2 -5 देन 2 4 एंड 2, ये हमारे पास माइनर्स के वैल्यूज लिख दी। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम इसको वैसे ही जैसे मैंने ऊपर बताया हम अल्टरनेटली साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब जैसे जैसे जो जो चीजें जहां पर हैं वो वैसे, जो प्लस है वो साइन सेम रहेगा, जो माइनस है वो साइन चेंज हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस सेम रहेगा, जो माइनस है वो साइन चेंज हो जाएगा, एंड देन इस तरह से यहां पर भी और इस तरह से यहां पर भी। तो हमारे पास ये क्या बना, ये हमारे पास को फैक्टर्स का मैट्रिक्स बन गया। तो माइनर्स आपको पता चल गए, को फैक्टर्स आपको पता चल गया कि हम लोगों ने क्या किया, सिंपल है, को फैक्टर्स में बस वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस कि सी आई जे इज इक्वल्स टू माइनस वन। अब ये हम हर बार इतना लंबा मेथड नहीं करेंगे, हम लोगों ने इसको ध्यान रख दिया कि हमारे पास जब भी माइनर्स की बात को फैक्टर्स की बात होगी तो हम लोगों ने माइनर्स के साइंस को चेंज करना है डिपेंडिंग अपॉन वो किस रो या किस रो कॉलम का हमारे पास को फैक्टर की बात हो रहा है, तो इस तरह से हम इसको चेंज करेंगे। ठीक है जी, अब माइनर्स से जुड़ी हुई ही एक और बात है, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। Adjoint of A is transpose of C. Adjoint of A is always transpose of C. अब ये हमारे पास आगे यूज होगा adjoint. फिलहाल आप इसको अब देखें यहां पे कि फॉर ए इज इक्वल्स टू 3 -2 4 7 एडजॉइंट ऑफ ए इज सी ट्रांसपोज। अब सी ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, अब इसमें ना हम लोग क्या करते हैं, ये सेवन इसको हम क्या करते हैं, हम लोग देखिए इसको हमने ना दो ग्रुप्स में बांट दिया, ये जो ये वाले ग्रुप में है ना जो मेन डायगनल में नहीं है ये सिर्फ अपने साइन चेंज करते हैं, और ये जो मेन डायगनल वाले एलिमेंट हैं जैसे 7 एंड 3 दे इंटरचेंज देयर पोजीशंस। तो इन शॉर्टकट करने के लिए हम सिर्फ इसको डायरेक्टली क्या लिखेंगे, हम इसको डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है जी, हम इसको डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं, एडजॉइंट को हम लोग डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास सी था, सी का ट्रांसपोज वी विल गेट दिस। तो हमारे पास क्या है बेसिकली, सॉरी ये मैंने आप देखें हम लोगों ने जो मेन मेन मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स को साइंस चेंज करने हैं, जिसके नीचे येलो कर रहा हूं और जिनको मैं रेड के अंदर
इनके आपने साइंस चेंज कर देना, इनको आपस में इंटरचेंज कर देना। यानी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बी इज इक्वल्स टू 2, 5, -6, 4 है, तो एडजॉइंट ऑफ बी हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। कैसे? 2 और 4 को चेंज कर दीजिए और इसके साइंस चेंज कर दीजिए। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी आ गया। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए हमें पता चल गया, एडजॉइंट ऑफ बी कैसे निकालने ये हमें पता चल गया। अब इसी तरह से अगर हम लोग देखें, जब हमारे पास ए था, अब इसको हम लोग बड़े ध्यान से सभी लोग देखेंगे क्योंकि इसमें अभी हम शॉर्टकट भी सीखने वाले हैं। अगर ए इज इक्वल्स टू हमारे पास दिया गया है 3, 4, 5, 1, 2, 3, 2, 1, 4, तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा, सी का ट्रांसपोज, और सी आपके पास क्या है 5, 2, -3, -11, 2, 5, 2, -4, 2 का ट्रांसपोज। यानी एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास क्या बन जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास आ जाएगा इसका ट्रांसपोज। सो यू विल बी राइटिंग इट एज 5, -11, 2, 2, -4, and -3, 5, and 2। ये आ गया एडजॉइंट। अब हम इसका सीखेंगे, वी विल बी लर्निंग कि इसका, ये तो चलिए हो गया, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा है जॉइंट निकालने के लिए, शॉर्ट इसके हमें ये फाइंड आउट करने पड़ रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक शॉर्टकट बना रहे हैं इसके लिए टू फाइंड द एडजॉइंट। देखिए 2x2 मैट्रिक्स के लिए तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन 3x3 के लिए थोड़ा सा लंबा काम है। तो इसके लिए हम लोग एक क्या कर रहे हैं, हम लोग एक अप्रोच लेके चल रहे हैं और इस अप्रोच को हम लोग बोलेंगे दिस इज सेंटर लेफ्ट राइट सेंटर अप्रोच। दिस इज कॉल्ड सेंटर लेफ्ट राइट सेंटर अप्रोच। इस अप्रोच को ही हम लोग मेन लेके चलेंगे। ठीक है, अब कैसे लेके चलेंगे, अब जैसे हमारे पास है ए, ए इज दिस, तो वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द मिडल मोस्ट नंबर, मिडल मोस्ट नंबर इज दिस, यहां से स्टार्ट करेंगे इसको सेंटर। सो इट इज, विल बी राइटिंग इट एज एक्स, इसको नाम अब देखें, हम बिल्कुल इसको मिडल मोस्ट से स्टार्ट करेंगे, ये सेंटर राइट लेफ्ट सेंटर है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2, फिर इसके साथ राइट वाला एलिमेंट 3, फिर लेफ्ट वाला एलिमेंट 1, फिर से सेंटर वाला एलिमेंट 2, फिर यही नीचे वाली रो के साथ 1, फिर राइट वाला 4, फिर 1 के लेफ्ट वाला 2 एंड देन 1, देन अगेन इसके ऊपर वाला 4, 5, 3, 4 एंड देन फिर से लास्ट वाला 2, 3, 1, 2। बस ये आपके पास लिख दिया जब आपने इसको एक बार, देन सिर्फ आपने इसको ऐसे करना है, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस। चलिए जी इसको लिखते हैं, ये आएगा 8, -3, 5, 6, -4, 2, 1, -4, -3। फिर दोबारा से नेक्स्ट वाले के लिए दिस 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 एंड दिस, दिस एंड दिस, तो आपके पास ये बनेगा 5, -16, -11, 12, -10, 2, 8, -3, 5।
तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 माइनस 10 टू, 5 माइनस 9 माइनस 4, 6 माइनस 4 इज 2। तो आप देखिए इससे हम लोगों ने एडजॉइंट ऑफ ए कितनी जल्दी फाइंड आउट कर लिया। तो हम लोगों ने ये अप्रोच लेके चलनी है, सी आर एल सी अप्रोच, सेंटर राइट लेफ्ट सेंटर, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन फास्ट, मतलब वी कैन फाइंड आउट दिस थिंग वेरी वेरी फास्ट। शाबाश, आप करिए इसको नोट, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट के ऊपर आगे बात करता हूं मैं। नाउ अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, ठीक है जी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं। तो नंबर वन है जी, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई ऑफ एन। अभी डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या, हम इसकी बात करेंगे फिलहाल। दिस नंबर टू, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू, ये रिवर्स में चलता है, दिस इज एडजॉइंट ऑफ, देखिए जहां जहां ट्रांसपोज इन्वॉल्व हो जाता है ना वो उल्टा हो जाता है, क्योंकि एडजॉइंट क्या है, इट इज ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर्स, है ना। तो यहां पे भी ये, देन थर्ड इज कैपिटल ए से लिखते हैं, सो इट कुड बी रिटन है एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। जो नेक्स्ट वाला इज वेरी इंपॉर्टेंट, एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर एन माइनस टू इंटू ए। और अगर हम इसका डिटर्मिनेंट ले लें, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर एन माइनस वन, वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स एंड वन मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ए इनवर्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए
into in joint of A. A joint of a diagonal matrix is a diagonal matrix. अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है, डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स ए कैन बी रिटन एज समिशन ऑफ ए आई जे इंटू सी आई जे. दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए को ना मैं ऐसे लिख सकता हूं, फॉर मैं 3x3 मैट्रिक्स की बात करूं, ए वन वन इंटू सी वन वन प्लस ए वन टू इंटू सी वन टू प्लस ए वन थ्री इंटू सी वन थ्री. मतलब जिस रो को आप ले रहे हो ना उसी रो के कोफैक्टर्स को लेना है. और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए टू वन इंटू सी टू वन प्लस ए टू टू इंटू सी टू टू प्लस ए टू थ्री इंटू सी टू थ्री. किसी भी रोज को ले सकते हैं या किसी भी कॉलम के साथ ले सकते हैं, जैसे ए वन थ्री इंटू सी वन थ्री प्लस ए टू थ्री इंटू सी टू थ्री प्लस ए थ्री थ्री इंटू सी थ्री थ्री. तो ये आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए दे देगा. एंड A inverse exists only if determinant of A is non-zero, and also A inverse is a unique matrix. मतलब किसी का भी inverse जो है वो unique है. Kindly note this down till here. फिर फर्दर बात करता हूं आपसे. दिस इज माय मिस्टेक एक्चुअली. दिस विल बी एक्चुअली एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज. इट शुड बी रिटन लाइक दिस. वो मैंने गलती से ब्रैकेट ले लिया. एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज इज एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज. मतलब इट विल बी लाइक दिस. ठीक है, तो चलें जी आगे वाले पे बात करते हैं. अब इसी तरह से जब हमने इनवर्स की बात की, क्योंकि वो इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, तो ए बी होल इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स. एंड इन द सेम वे अगर ए बी सी का इनवर्स ले लूंगा, सो दिस विल बी रिटन एज सी इनवर्स इनटू बी इनवर्स into A inverse. Then जैसे हमने ऊपर वो लिखा, अब क्योंकि A inverse भी एक मैट्रिक्स है तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, adjoint of A का अगर इनवर्स लेंगे तो वो सेम होगा adjoint of A inverse. जैसे अभी हमने पीछे उसको देख के चले. अब क्योंकि ए इनवर्स जो होता है वो एक तरह से हम मान लीजिए कि वो मैट्रिक्स के केस में उसका रेसिप्रोकल होता है. ठीक है, जैसे हम लोग किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाती है. इसी तरह से ए को अगर हम उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आई दे देगा हमेशा.
एंड वन मोर इम्पोर्टेंट इज एडजॉइंट ऑफ के ए इज इक्वल्स टू के रेस टू पावर एन माइनस वन इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो एडजॉइंट को लेके आती हैं और इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्पेशली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए पे, यानी ये वाला जो हमारी प्रॉपर्टी है ना, दिस प्रॉपर्टी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, डायरेक्टली पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ऐसे बोला जाता है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू लेट्स से 5, तो व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। अब जिसको तो आता होगा वो डायरेक्टली इसको लिख लेगा 5, बिकॉज हाँ वेयर आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 ले लीजिए, मतलब इट इज ए ऑर्डर ऑफ 3 मैट्रिक्स, तो जिसको तो आता होगा तो वो तो सीधा लिखेगा 5 रेज टू पावर 3 माइनस 1 और 5 स्क्वायर दैट इज 25। पर जिसको ये चीज नहीं आती होगी वो पूरा पहले एडजॉइंट निकालेगा, एडजॉइंट निकालने के बाद वो सॉल्व करेगा एंड दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो आपने हमेशा इसको याद रखना है, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ द असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 16 बड़ा सिंपल सा उसने पूछा है हमसे, ए एंड बी आर टू इन्वर्टिबल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिसेस ईच ऑफ ऑर्डर एन, देन एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी, यह भी हम लोगों ने पढ़ा प्रॉपर्टी है, दिस विल बी सिंपली रिटन एज एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। देन 17 ये बोलता है ए इज इक्वल्स टू अ मैट्रिक्स 3x3 मैट्रिक्स सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 4। तो हमारे पास अब क्वेश्चन में खुद से ही दिया इसने डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 4 और ये हमसे पूछ रहा है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा। तो हम लोगों ने अभी इसको पढ़ा था, इट वाज व्हाट, इट वाज डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, यानी इट विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू 100 010 001, बन जाएगा आपके पास 400040004, दिस इज द आंसर। तो इसको आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। 18th में इसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस हैज ए एज एन इनवर्स, अभी हमने वैसे पढ़ा नहीं, लेकिन फॉर ए इनवर्स टू एग्जिस्ट, ये अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा, डिटर्मिनेंट नहीं प्रॉपर अभी पढ़ा, लेकिन फिर भी ए इनवर्स टू एग्जिस्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पे चेक करना है कि किसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, राइट। देन 19 इसने हमें दिया हुआ है ए इज इक्वल्स टू, देखो प्रॉपर्टीज याद है तो क्वेश्चन कितनी जल्दी हो रहे हैं, 3, 2, 1, 4। तो हमसे पूछता है व्हाट इज ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 17 किया सेम क्वेश्चन है वो, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आप देख लीजिए क्या आएगा, दैट इज 12 - 2 = 10 एंड देयरफॉर A into adjoint of A is equals to 10 × 1001 that is equals to 10 0 0 10. So this will give us the answer. 20th इसने बोला कि matrix 2 4 -8x does not have an inverse if x is equals to, तो हमें पता है कि जब भी हमारे पास inverse की बात होगी तो inverse केस में ये matrix 0 होना चाहिए, inverse कब नहीं होगा, जब matrix 0 होगा। तो here 2x
प्लस 32 इज इक्वल टू 0, 2x इज माइनस 16, सॉरी 2x इज माइनस 32 एंड x इज इक्वल टू माइनस 16. So simple it was. A question at 21st. ये दिया गया हमारे पास a is equals to minus 1001 and b is equals to 0110 and c is equals to minus sine theta cos theta sine theta. फिर ये बोलता है then c is equals to, तो इसको हमने ऑप्शन से ही लेके चलना है. We just have to check it with the option. ठीक है, अब हमारी पहली ऑप्शन है a sin theta plus b cos theta. तो इसको देखते हैं कि ये हमारे पास c के बराबर आती है कि नहीं आती. You just have to put sin theta into minus 1001 plus cos theta into 0110. बस ये आप डालें इसको माइनस साइन थीटा 0 साइन थीटा प्लस 0 कॉस थीटा 0 एंड देन this becomes what? This becomes minus sin theta cos theta sin theta equals to c. तो पहली ऑप्शन से हमें आंसर मिल गया. इसका मतलब हम लोग ना इसको इसी तरह से ही फाइंड आउट करेंगे, हम इसको ज्यादा और कोई मेथड यूज नहीं करेंगे. ठीक है, तो आप लोग आज इसको गो थ्रू करिए जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है. कल इससे आगे कुछ और नई चीजें हैं जो हम लोग देखेंगे. जितना आपको आता है आप उसको गो थ्रू करिए, जो नहीं आएगा वो हम लोग करेंगे. ट्राई टू फिनिश इट. इसमें हम लोगों ने अभी एक चीज बस पढ़नी है, डेट इज हमारे पास इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की कंसिस्टेंसी क्या होती है. वी विल टच दैट थिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को टच करेंगे, कंसिस्टेंसी को टच करेंगे एंड देन वी विल मूव अहेड विद द थिंग्स. तो आज इतने रखते हैं, कल इससे आगे कंटिन्यू करेंगे. बाय फॉर नाउ. Take care. God bless you. And Jai.